जो लास्ट सीट अलॉटिंग इनका 39,181 पे गया हुआ था, बीएमएस की बात कर रहा हूं, जो कि आपका बेगूसराय वाला कॉलेज जिसमें सीट इनटेक कम है, उसकी लास्ट सीट अलॉटिंग रही थी उसकी। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम कैरेकिक सर्विसेज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी आयुष के बाद में, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बिहार आयुष। यार यूपी के बाद में जो दूसरा हमारा फेवरेट स्टेट है वो हमारा बिहार है, बिकॉज बिहार में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि कम गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कम प्राइवेट कॉलेज हैं, अपीयरिंग एस्पिरेंट काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, मैं बोलूँगा लो रैंकर भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा एक बिहार आयुष काउंसलिंग पर एक कंप्लीट वीडियो तो बनती है। फिलहाल मैंने एमबीबीएस और बीडीएस को लेकर एक मैंने 2-3 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, अगर आप चाहो तो उस वीडियो को भी जाकर आप देख सकते हो। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आयुष काउंसलिंग को लेकर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेटिंग लिस्ट कितने हैं, कितने इंस्टीट्यूट हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैं स्टॉक मार्क करके बीएचएमएस लिखना चाहूँगा, आयुष में से थोड़ा सा बीएचएमएस की कट ऑफ यहाँ पर कम जाती है, बिकॉज कॉलेज वगैरह भी ज्यादा हैं और प्राइवेट कॉलेज भी आपको यहां पर ज्यादा मिल जाएंगे। लेकिन आयुर्वेदा में बीएमएस में प्राइवेट कॉलेज बहुत कम है, अभी उस पर भी बात करेंगे। सीट इनटेक कितनी है गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप देखोगे तो 2 बीएमएस के कॉलेज हैं, 1 बीएचएमएस का, 1 बीयूएमएस का है, तो वो भी अभी डिस्कस करेंगे। हाँ, जो बीएचएमएस हमने यहां पर मार्क किया है वो प्राइवेट कॉलेज को लेकर मार्क किया, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद में फी स्ट्रक्चर क्या रहता है, अब देखो यार गवर्नमेंट में तो बहुत ज़्यादा फी स्ट्रक्चर यहाँ पे रहता नहीं है, और प्राइवेट तो आप लेकर चलो कि जो नॉर्मल हर साल का फी स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ अपडेट होता है, तो जब भी अपडेटेड फी स्ट्रक्चर का डेटा आएगा तो वो हम आपको अपडेट कर देंगे कम्युनिटी फॉर्म के जरिए। और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले कि प्रोसीजर क्या होता है, तो यार सिंपल वही प्रोसीजर है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का क्या होता है कि बहुत बार एमबीबीएस बीडीएस का पहले हो जाता है और बाद में आप लोग कंफ्यूजन होती है, तो देन आयुष वाले जो होते हैं वो रह जाते हैं, लास्ट ईयर यही हुआ था। तो आयुष के लिए जब भी पोर्टल ओपन होगा या एमबीबीएस के लिए आप इंटरेस्टेड हो तो एक फ्री गाइडेंस फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, वो जाकर आप फिल कर देना तो आपको अपडेट मिल जाएगी जब भी आएगा। उसके बाद में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कट ऑफ, तो ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ पर भी मैंने बात की और स्टेट कोटे की कट ऑफ पर भी मैंने डिस्कशन किया हुआ है, तो दोनों, बिकॉज सबसे ज़्यादा लोग बिहार से होंगे तो बिहार के लिए स्टेट कोटे वाली कट ऑफ तो यार मेरे को मिली ही नहीं कहीं कट ऑफ में, ऐसी रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। कट ऑफ में जब मैं सर्च आउट कर रहा था तो मेरे को स्टेट कोटे का कट ऑफ या डेटा नहीं मिला, या कोई पीडीएफ जो थी वो नहीं मिली। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि सीट इनटेक वाला पार्ट यार क्या है। यहाँ पर 2 हमारे बीएमएस के कॉलेज हैं, 1 बीएचएमएस का है, 1 बीयूएमएस का है। टोटल सीट यहाँ पर 100 है एक कॉलेज में, जो दूसरा कॉलेज है वो 30 है, बीएचएमएस में 75 है, बीयूएमएस में 30 है, और देन टोटल सीट इनटेक का डिवीज़न 130 के हिसाब से हो गया, 110 स्टेट कोटे में चली गई, 20 हमारी ऑल इंडिया कोटे में चली गई। अभी जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, अब आपको हम एक पीडीएफ दिखाएंगे। तो लास्ट ईयर का ये पीडीएफ था मेरे पास में, ब्रोशर था इनका, तो उसी से मैंने पेज नंबर 11 पे दे रखा है, गवर्नमेंट कॉलेज इन अ मेडिकल स्ट्रीम आयुष। तो यार ये आयुष में से आपका बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस आ जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने जो पहला कॉलेज है राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, जो हमारा पटना में है, 100 का सीट इनटेक है, ये आयुर्वेदा का कॉलेज है। उसके बाद में जो दूसरा कॉलेज हमारा राजकीय अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेदिक कॉलेज हमारा बेगूसराय में है, इसमें 30 का सीट इनटेक था। यार एक तो 2 कॉलेज ऊपर से दूसरे में इतनी कम सीटें, तो सिंपल सी बात है कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि स्टेट काउंसलिंग के थ्रू मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट तो पार्टिसिपेट करते ही करते हैं, लेकिन उससे ऊपर की जो क्रिमिनल ऑडियंस होती है उससे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग ऑल इंडिया कोटे से करना, ताकि जो और भी लो वाले स्कोरिंग वाले जो कैंडिडेट उनको भी चांस मिल पाए। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में ज्यादा फोकस रखना आप लोग भी, बिकॉज आपके यहां पर भी कॉलेज कम है, और जहां पर कॉलेज कम होते हैं वहां पर सीट कम होगी, तो वहां पर कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, वहां पर कट ऑफ हाई जाती है। तो आयुर्वेदा एक तो यार इतना डिमांडिंग, ऊपर से बीएचएमएस में एक कॉलेज है 75 का सीट इनटेक है, एक यूनानी का है, गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना में है, तो इसमें भी 30 का सीट इनटेक है। यार ये तो प्राइवेट गवर्नमेंट का पार्ट हो गया, ऑलमोस्ट सीट मैट्रिक्स आप देख भी रहे होंगे, ये अनरिजर्व्ड का है, एससी एसटी एंड ईबीसी और बीसी, तो ये आप कैटेगरी है थोड़ा सा
है ना, यहाँ पर गर्ल्स के लिए एक रिजर्व कैटेगरी निकाली गई है, तो वो भी आपको दिख रही होगी, EWS का अलग रिजर्वेशन है। तो जो भी इसका अपडेटेड पार्ट होगा उस पर हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा डिस्कशन करना इसलिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी। उसके बाद में होम्योपैथिक के लगभग इनके पास में 6 कॉलेज हैं जो कि प्राइवेट हैं और जिनका हर बार NCIMS का परमिशन आता है, ठीक है ना, NCISM, तो पहले CCIM था ये, अब थोड़ा सा चेंज होकर NCISM हो गया है। ये 6 कॉलेज है, अब इन 6 में से किसकी परमिशन आती है, कितने सीट इनटेक की आती है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, वो आपको अपडेट किया जाएगा। आयुर्वेदा में 2 कॉलेज है, एक दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज, दूसरा आपका स्वामी राघवेंद्र आयुर्वेदिक कॉलेज गया में है, और देन ये आपका सिवान में है, और देन यहाँ पर यूनानी में भी 2 कॉलेज। देखो यूनानी का तो ओके है, BHMS का भी ओके है, और BMS में, तो BMS में यहाँ पर कॉलेज थोड़े से कम है, तो BMS के केस में यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो प्राइवेट कॉलेज की भी बात करेंगे BMS की, लेकिन उससे पहले हम लोग कट ऑफ वाले पार्ट पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं जल्दी से। देखो अगर आप कट ऑफ देखोगे इनकी ऑल इंडिया कोटे के हिसाब से, तो ऑल इंडिया कोटे के हिसाब से मैंने कट ऑफ से यहाँ पर निकाल रखी है। लास्ट सीट अलॉटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से, जो लास्ट सीट अलॉटिंग इनका 39,181 पे गया हुआ था। BMS की बात कर रहा हूँ, जो कि आपका बेगूसराय वाला कॉलेज जिसमें सीट इनटेक कम है, उसकी लास्ट सीट अलॉटिंग रही थी। उसके बाद के भी कॉलेज जो हैं ऑलमोस्ट ये 3 लास्ट के जो 3 हैं, ये तो आपका बेगूसराय वाला कैंपस है जिसमें 30 का सीट इनटेक दिखा रहे हैं लोग। अब सीट इनटेक वैरी कर सकता है, 30 वाला हो सकता है, 60 हो जाए, ये डिपेंड करता है उनके परमिशन पे। उसके बाद में आपका पटना में जो कॉलेज है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना, उसमें 35,935, तो ये बिहार के अलॉटमेंट है, मतलब कि जो लोग ऑल इंडिया कोटे में AA CCC में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा, अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो तो आप भी इस स्कोरिंग के भी यहाँ पर थोड़े से आइडिया ले सकते हो। इस बार आपके चांस बिहार में ऑल इंडिया कोटे के थ्रू 45,000 रैंक तक होंगे। अब बचे बाकी लोग जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं और जिनकी स्कोरिंग 50,000 है, 60,000 है, 80,000 है, 1,00,000 तक है, तो मैं बोलूँगा जिसकी भी स्कोरिंग 80,000 तक है तो वो यार AA CCC में एक बार उम्मीद लगाकर यहाँ पर अलॉटमेंट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में ले सकता है। अगर आपको लग रहा है कि हमारी उतनी स्कोरिंग नहीं है, हमारी स्कोरिंग और कम है, तो मैं बोलूँगा कि आपके बिहार स्टेट काउंसलिंग में भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ डाउन नहीं जाने वाली है। ये मैंने डेटा जस्ट एक अपीयरेंस के लिए लिख दिया है कि आप थोड़ा सा एक आइडिया आपको लग पाए। जब मैं पूरा डेटा सर्च आउट कर रहा था तो मुझे एक्चुअल में इसका कोई PDF या डेटा नहीं मिला हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने एक एनालिसिस के भी यहाँ पर कुछ पार्ट यहाँ पर मेंशन कर दिया है। लास्ट सीट अलॉटिंग आप देख रहे होगे 39,000 पे था, तो इस बार का आप 45,000 तक कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको एनी कॉलेज चाहिए बिहार के अलावा कहीं पर भी चलेगा, तो आपकी अगर 80,000 रैंक तक है, 80-85,000 रैंक तक है, तो देन आप यहाँ के लिए अप्रोच आउट कर सकते हो। अदर स्टेट के लिए उस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी कि लास्ट सीट अलॉटिंग कहाँ की होती है। उसके बाद में स्टेट कोटे के लिए मैं बोलूँगा 500+ यार सेफ स्कोरिंग है, अगर आपके पास कोई कैटेगरी है सेफ स्कोरिंग इन सेंस की। देखो ऑल इंडिया कोटे के थ्रू भी ऑप्शन बन रहा होगा और स्टेट कोटे के थ्रू भी ऑप्शन बन रहा होगा। जो कट ऑफ डाउन जाएगी वो BHMS की डाउन जाएगी हो सकता है, बिकॉज हमेशा BHMS तो डाउन रहता ही रहता है, बिकॉज थोड़ा सा एक डिमांड में भी कम है। यहां पर जो मैंने कट ऑफ लिखी है वो आयुर्वेदा की है, 510 के ऊपर सेफ स्कोरिंग है बिहार की, 505 फिर 495 से 500 के बीच में, अभी OBC NCL और RCG के लिए मैंने यहां पर दे रखी है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि सर मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, मुझे एक प्राइवेट कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए क्या अप्रोचिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो जल्दी से मैं बता देता हूं कि अगर आप बिहार से हो तो आप 2 कॉलेज को यहां पर अपने जो आपके नियर अबाउट जिसको पूर्वांचल एरिया कहते हैं यूपी का, तो अगर आप उधर टारगेट करना चाह रहे हो तो आप श्री कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज आपका बनारस में है, आप उसको देख सकते हो। अभी एक नई यूनिवर्सिटी आपकी गोरखपुर में भी ओपन हुई है, महायोगी आयुर्वेदिक है, तो पूरी कंप्लीट यूनिवर्सिटी, लेकिन उसके अंदर एक BMS का कोर्स आया हुआ है जिसकी फीस है 2,05,000 के आसपास। हॉस्टल फीस बहुत कम है बिकॉज ये कॉलेज एक ट्रस्ट पे है। और देन अगर आप यहाँ के अप्रोच आउट करना चाह रहे हो, यूपी एक ओपन स्टेट है, तो आप कर सकते हो। अगर आपको यूपी के लिए गाइडेंस चाहिए काउंसलिंग को लेकर, तो आप हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हो कि सर सबसे पुराना, सबसे अच्छा और सबसे एक एवरग्रीन जो कॉलेज है वो कौन सा है, तो यूपी में जो सबसे ज्यादा लास्ट ईयर डिमांडिंग कॉलेज रहा था, नो डाउट लखनऊ के कॉलेज डिमांडिंग रहते हैं, लेकिन लखनऊ के कॉलेज में कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज का भी चक्कर फंस जाता है, फीस ज्यादा डिमांड करते हैं, तो यूपी के अंदर एक ऐसा कॉलेज भी है जो कि सबसे पुराना कॉलेज मैं बोलूंगा है ना, ये कॉलेज यहां पर आपका PG भी है,
ठीक है ना। मेजर एसडी सिंह आयुर्वेदिक कॉलेज जो आपका फरुखाबाद में लोकेटेड है यूपी में, लोकेशन नो डाउट यार कि थोड़ा सा रूरल एरिया में है, लेकिन कॉलेज बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप यहाँ के लिए प्लान कर रहे हो तो मैं बोलूंगा कि यार 250 के ऊपर हो देन तभी आप यहाँ के लिए अप्रोच आउट करना, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा 250 के अगर अबव नहीं हुआ तो। बिकॉज लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि यहाँ की सीट 60 थी और वैसे 100 का सीट इनटेक आता था, इस बार यहाँ की कॉलेज की परमिशन आ गई है। परमिशन लेटर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप देख सकते हो। तो अगर आपको एडमिशन यहाँ के लिए अप्लाई करना चाहो तो यूपी का जो काउंसलिंग है वो आप तो अपडेटेड रहना पड़ेगा। और इसकी फीस स्ट्रक्चर 2,59,500 या 200 रुपीज समथिंग है पर ईयर का, यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस नहीं लगते हैं। तो अगर आप यूपी के किसी भी कॉलेज के लिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्रोच करते हो तो आपका एक सिंगल ऑप्शन है कि आप काउंसलिंग के थ्रू अप्रोच आउट करो, बियॉन्ड दैट कोई भी डिफरेंट ऑप्शन नहीं है कि आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा या कोई अदर प्रोसेस हो। तो वीडियो आज की यहीं तक ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नया अपडेट, किसी नर सर्च के साथ में। ये बिहार वालों के लिए एक मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ था, अगर आपको एक प्राइवेट कॉलेज में एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि यूपी के बेस्ट कॉलेज कौन कौन से है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो उस पर हम एक वीडियो बना देंगे। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अदर स्टेट से भी होंगे इस वीडियो को देख रहे होंगे।